हाँ, उपचुनाव में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करेंगी, जहां बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर कई दिग्गज नेता अपने प्रत्याशी और जस्टी के नाम नामांकन में पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, बस्तर के 11 विधायक सब देवती कर्मा के नामांकन में जोर शोर दिखाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दंतेवाड़ा उपचुनाव की कमान संभालते हुए जीत का दम भरे रहे हैं और हमारे दंतेवाड़ा रिपोर्टर पंकज सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद ही नामांकन जमा करने का और ये दौर शुरू हो गया है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन जमा कर रहे हैं। बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी पूरी अपनी ताकत के साथ एक बार फिर से एक सेट को जमा करने पहुंचेगी, वैसे बीजेपी की भी पार्टी पहुंचेगी खबर आ रही। इस वक्त मैं कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कि कल जो उनका शक्ति प्रदर्शन है कितनी दमदारी के साथ रहेगा और क्या उनकी जो योजनाएं और रणनीति है इस दंतेवाड़ा विधानसभा में दिखेंगी। सर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, जिम्मेदारी मिलने के बाद, मेरे नेतृत्व में दंतेवाड़ा उपचुनाव पहला चुनाव है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। हमने हमारे कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, शहीद महेंद्र कर्मा जी की कर्म भूमि परसपाल से हम वहाँ के देवी देवताओं से पूजा करके शहीद महेंद्र कर्मा जी की मूर्ति पर माला अर्पण करके आज शुभ मुहूर्त में हमने एक सेट आवेदन जमा किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब और छत्तीसगढ़ के प्रभारी महामंत्री आदरणीय पुण्य साहब और हमारे सभी मंत्री और बस्तर के विधायक मौजूद रहेंगे और ऐतिहासिक रैली भी होगी और ऐतिहासिक रैली के साथ हम नामांकन भरेंगे। सर, दंतेवाड़ा में हमेशा देखा गया है कि शहादत को हमेशा यहाँ की जनता हमेशा तवज्जो दी है और सामने में ओजस्वी मंडावी हैं जो भीमा मंडावी की शहीद विवाह है, क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी चुनौती मिली? देखिए, निश्चित ही इस बार दोनों शहीद परिवार लड़ रहे हैं, शहीद महेंद्र कर्मा जी की धर्मपत्नी आदरणीय पूर्व विधायक देवती कर्मा जी और शहीद भीमा मंडावी जी की धर्मपत्नी ओजस्वी मंडावी जी, दोनों प्रमुख दल और विपक्षी दल के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। मगर हम छत्तीसगढ़ में 8 महीने से माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, जो सरकार की योजनाएं नीतियां हैं, आम जनता को बहुत ज्यादा पहुंचे, लाभ पहुंचाए, इसीलिए इन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उसका लाभ जनता हमारे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को जिताएगा। मैं लगातार पहले भी मैं 3 दिन तक दंतेवाड़ा में रहूं, आज भी 3 दिन से आज दंतेवाड़ा में भी हूँ, तो जनता का एक जबरदस्त प्रतिफल हमको मिल रहा है कि जो सरकार जिसकी है, कांग्रेस की सरकार है, अगर इसके प्रत्याशी को जिताएंगे तो क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उसको भारी मतों से जीत मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। तो कांग्रेस विकास के दावे को लेकर के ये बात बोल रही है कि यहाँ से इस बार हमारी जीत होगी, देखना होगा कि जनता आप क्या तय करेगी। पंकज सिंह भदौरिया, स्वराज एक्सप्रेस, दंतेवाड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने नेताओं और मंत्रियों के